हेलो दोस्तों, मैं मोनू स्वागत करता हूँ आपके चैनल खाओ पियो मौज लो, ना मिले तो खोज लो। चैनल का जो नाम रहने वाला है वो खाओ पियो मौज लो रहने वाला है, बाकी तो फ्लो फ्लो में निकल ही जाता है। जैसा कि मैं बता दूं, आज है मैं नांगलोई रेलवे मेट्रो स्टेशन पे, और नांगलोई रेलवे स्टेशन के बीच में रहने वाली है, सामने जो रहने वाली है मजार रहने वाली है, और उसके बगल में मदर डेरिया, और उसी के बगल में यानी कि मजार के बिल्कुल सामने रहने वाले सीताराम चौहान के छोले भटूरे, जो कि फेमस है पूरे नांगलोई में। तो इन्हें टेस्ट करते हैं और बताते हैं किस तरह का जायका रहने वाला है, किस तरह का स्वाद रहने वाला है। तो चलो चलते हैं। तो यहाँ के ये ओनर रहने वाले हैं सीताराम चौहान के छोले भटूरे के ओनर जो रहने वाले हैं धर्मेंद्र भाई रहने वाले हैं। तो धर्मेंद्र भाई, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो आप ये बताइए, आप यानी कि छोले भटूरे के अलावा क्या क्या और बनाते हो? नान बनाते हैं, छोले भटूरे चावल बनाते हैं। अच्छा, नान चावल और छोले भटूरे रहने वाले हैं। तो आपके पास फेमस कौन सी चीज रहने वाली है? फेमस तो भटूरे है भाई, भटूरे यानी कि जो भी आता है भटूरे के लिए आता है, पूरे नांगले में फेमस रहने वाले हैं। तो आप यानी कि कितने बजे उठते होंगे? 3 बजे रात को उठते। रात को 3 बजे उठते हो, और कितने बजे लगाते हो? 7 बजे लगा देते हैं। 7 बजे लगाते हो, और कितने बजे तक लगी रहती है? यानी कि 7 से 4 बजे तक लगी रहती है। 4 बजे तक। तो दोस्तों, हमने लगवा लिए हैं भटूरे, छोले भटूरे, और आप देख सकते हो बिल्कुल ही गर्मा गर्म। और ये देखो, ये जो है ये तो फुस्सी हो गया है, ये देखो करारा है बिल्कुल। यानी कि आप हमें हिसाब से भी लगवा सकते हो कि भाई करारा बनवाना है या फिर नॉर्मली बनवाना है। तो इसे खा के देख लेते हैं, ये काफ़ी गर्म है। तो देख सकते हो ये छोले रहने वाले हैं, छोले और थोड़ी सी चटनी ले लेते हैं, और एक नंबर का टेस्ट रहने वाला है। वो थोड़े से प्याज भी ले लेते हैं, यानी काफी टेस्टी रहने वाला है। जैसे यहाँ पे एक होलसेल मार्केट है शूज की, सैंडल की, लेडीज फुटवेयर की, तो अगर जैसे आप वहां पे आते हो तो यहाँ पे भी आ सकते हो। तो बाकी यानी काफी अच्छा टेस्ट है, और मैं नान प्रेफर नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ पे जो भटूरे हैं वो फेमस रहने वाले हैं। तो आप एक बार आइए, ट्राई करिए।